का यूरिया बहुत बढ़ा हुआ था, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ था, किडनी के और लिवर के टेस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव आए थे, सारी चीजें डिस्टर्ब हो रखी थी, बट अभी ये डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है और बेहतर है, और उसकी जो फैमिली है ऑफ कोर्स वो सेटिस्फाइड है, खुश है। मैं चाहता हूँ ऐसी खुशी आपके घर में भी, आपका जो फर बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बाल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, आपके टाइम, प्यार और ब्लेसिंग के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत सारा प्यार जो आप दे रहे हैं। नया हमने जो चैनल बनाया पाब्लो द हस्की, उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच, और उसको उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन दोस्तों ने नहीं किया। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आज स्पेशली इस बच्चे से मिलने के लिए आया हूँ अपने घर से अराउंड 270 किलोमीटर दूर, पठानकोट से 270 किलोमीटर दूर आ रहा हूँ इस बच्चे के साथ वीडियो शूट करने के लिए। रीजन क्या है? रीजन ये बच्चा बहुत स्पेशल है और इसका नाम शैडो है, कुकू मुकुसी का, मोटो छोटी। ये जो दोस्त है ना मेरी, ये मेरे पास में पिछले अक्टूबर में इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। शी वॉज गोइंग थ्रू सम बैड पैचेस ऑफ हर लाइफ, और वो जो बैड पैच है ना, मुझे अभी इससे पहले मैंने इसके हाथ में थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, बीच में चाय की ब्रेक थी, तब मुझे पता चला कि शी हैड गॉन थ्रू अ मेजर सर्जरी बिकॉज शी वॉज हैविंग बेबीज इन हर टमी। इसके टमी में, पेट में बच्चे थे, 2017 में ऑपरेट किया था, बहुत बेहतरीन डॉक्टर है जिन्होंने ऑपरेट किया था और इसकी जान बचाई थी, क्योंकि वो बच्चे पेट में मर गए थे। बात वहां खत्म नहीं हुई, बात वहां से शुरू हुई, क्योंकि जब बेबीज पेट में थे, ऑपरेट हुआ, ऑपरेट के बाद जैसे ह्यूमंस में होता है ना, अलग अलग हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं और चीजें आ जाती हैं, ओबेसिटी आ जाती है, तो वैसे ही इस बच्चे में भी आना शुरू हो गई, और जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़ रही थी, डे बाय डे बढ़ रही थी, और वो बढ़ रही थी फैट के रूप में, डे बाय डे मोटी हो रही थी। इन्होंने जिनसे भी पूछा, डॉक्टर से या जिस भी कंसर्न पर्सन से पूछा, उन्होंने बोला यार जो दे रहे हो देते रहो, दूध रोटी दे दो, सब्जी रोटी दे दो, जो खाने में देते हैं आप देते रहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मैं बार बार बात करता हूँ कस्टमाइज्ड डाइट शेड्यूल की, एक पर्टिकुलर डाइट शेड्यूल की, वो किस लिए, इस बच्चे को ऑपरेट के बाद में क्या चाहिए था। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था ये जो बच्चा है इसके लिए, अब इसको प्रॉब्लम क्या आई, इसको प्रॉब्लम आई इसकी फैट आना शुरू हो गया। फैट आने का रीजन था ऑपरेट होना, ऑपरेट के बाद में हार्मोनल चेंजेस आना, हार्मोनल चेंजेस के बाद में फैट भी आ गया, ये दोनों चीजें समाप्त हो गई। उसके बाद में जो तीसरी चीज आई वो बैलेंस डाइट नहीं थी, जो एनर्जी चाहिए थी, जो कुछ भी चाहिए था इसको, वो सब चीज उसके हिसाब से नहीं हो रहा था। तीसरी, मोटापा होने की वजह से क्या हुआ, इसका चलना फिरना कम हो गया बिकॉज बॉडी वेट बढ़ रहा था। अब जब बॉडी वेट बढ़ रहा है, एनर्जी लेवल कम है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी, वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी आ गई इस बच्चे को। बात यहां भी खत्म हो जाती तो और बात थी, इसके बाद में इसकी प्रॉब्लम आ गई, इसकी किडनीज डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, इसकी किडनी के जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत डिस्टर्ब आई जब इन्होंने टेस्ट करवाए, लिवर भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, ये चलने फिरने से मतलब जिसे कह सकते हैं रह गई बिल्कुल भी। और बाकी की जो स्टोरी है, बाकी की स्टोरी इसके जो फैमिली है वो बताएगी। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो को सो दैट आपको क्लियर हो सके कि हमें अपने बच्चों का कितना ख्याल रखना चाहिए। दे आर नॉट डस्टबिन्स की हमें कुछ भी दे देंगे खाने को, कुछ भी खाने को दे देंगे और कैसे भी रख लेंगे। आई होप ये जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो, ये आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा, बार बार बोलता हूँ, ना कि लाइक करोगे पसंद करोगे वो नहीं बोलता हूँ, समझ में आएगा मीन्स हमें समझना है कि हमारे फर्स्ट। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना आंटी से समझते हैं क्योंकि ये ज्यादा क्लोज आंटी की है, विक्रांत भाई तो कभी घर पे होते हैं कभी नहीं होते, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बता सकता है वो फैमिली मेंबर जो इसके साथ में रहता है, जिसने बचपन से इसको हर एक फेज लाइफ के अलग अलग देखे। थोड़ा सा बताइए जी क्या क्या प्रॉब्लम आई और अभी कैसे है। अभी तो ठीक है। ओके। हाँ, और ये पहले बहुत बीमार हो गई थी जब, अच्छा, तो आपको फोन करके पूछते थे। जी जी जी। फिर एकदम ऐसी हो जाती है जैसे इसको पतन क्या हो गया, हम भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं इसको देख के। ओके। फिर दवाई वगैरह जो आप बताते हो वो देके तो फिर ये ठीक हो जाती है। अभी कितनी, आप ये बताइए इसकी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस कितनी है, मतलब कितना अहमियत रखती है ये? तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा है। Okay. हाँ, ये तो सारा दिन मैं ही देखती हूँ इसको। अच्छा, हाँ, देखती हूँ। अभी खाना वगैरह खाती है? हाँ, खाना वगैरह सब कुछ मैं ही देखती हूँ। ठीक है जी। और घुमाने भी दोनों टाइम मैं लेके जाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे बाथरूम वगैरह करवाना हो सब काम मेरे कहने से करती है ये। अच्छा, करती है ये, सब समझती है
इसकी एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम थी आंटी, आप मतलब जो क्या क्या फेजेस देखे हमने इसके, मतलब जब मेरे को कॉन्टेक्ट किया उससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या फील हो रही थी? मैं ये पता क्यों पूछ रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई या दोस्त जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो डॉग को ना ट्रीट करवाते हैं। हम लोग कभी एक डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी दूसरे को दिखाते हैं, कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी थोड़े दिन बेटर लगता है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा, हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें डिसहार्टेड नहीं होना कि अगर ये इलाज नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ऑफकोर्स सही बैठे करवाने वाले कड़ियां जुड़ती हैं, बेहतरीन से बेहतरीन वेटनरी डॉक्टर हैं थ्रू वर्ल्ड में, है ना, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, सारे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, पर बात यह है कि हमें कौन सी चीज क्लिक कर जाती है। तो इसकी क्या क्या प्रॉब्लम क्या फेस करते थे आप, मतलब खाने में दिक्कत थी, डाइजेशन में, खाने में भी खाती नहीं थी। अच्छा, खाना नहीं खाती थी खाना नहीं खाती थी, कई बार उल्टी करने को करती थी, मैंने उल्टी करनी है। ओके, हाँ, तो ऐसी बैठी रहती थी सारा दिन सुस्त। ओके, हाँ, सुस्त बैठी थी। ओके, फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाता था बितरात 22 में जी। हाँ, उन्होंने भी दवाइयाँ वगैरह दी, फिर मेरे को कोई खास लगी नहीं ये ठीक। अच्छा जी। हाँ, तो फिर आपसे बात की। ओके, हाँ, फिर आपने जो दवाई दी उससे बहुत फर्क पड़ा जी। हाँ। अब आप अगर देखेंगे ना, तो वो आंटी से प्यार कर रहे थे ना, तो उसने जो अपना सर है ना वो आंटी के पाँव में रख दी। ये चीज ना नोटिस करने वाली थी, ऑब्जर्व करने वाली थी, आपने करी या नहीं की वीडियो में, बट वो ना उसने वो जैसे कहते हैं ना, हमने अपना खुद को किसी को अर्पण कर देने वाली बात। हाँ। वो चीज है, वो उतना प्यार करते हैं, ये समझते हैं, जो हमारे फर बेबीज है ना, ये समझते हैं कि जो फैमिली मेंबर है हमसे कितने कनेक्टेड है, कौन कितना ज्यादा प्यार करता है। हम इसको बुलाते हैं ना, शैडो इधर आ जाएगी, मेरे पास बैठ जाती है, फिर कहती है मेरे को ऐसे ऐसे करो, प्यार करो, लड़िया करो। हाँ, अच्छा फील करती है। अच्छा फील करती है। डिफरेंट जब हम हाथ हटाते हैं ना, जैसे मान लीजिए से गुदगुदी कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, वो एक्साइटेड होगी। अगर मैं हाथ हटाऊंगा तो फिर से बोलेगी मुझे, अपने पांव से बोलेगी या मुंह से बताएगी एक्सप्रेशन देके कि फिर से करो, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे मजा आ रहा था। तो दे आर नॉट लेस देन योर फैमिली, ये आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली मेंबर से, आपके घर के छोटे बच्चों से कम नहीं है, बहुत होते हैं, क्योंकि अपनी बात सिर्फ दे कांट स्पीक आउट, बोल नहीं सकते, समझा अपनी पूरी बात देते हैं, पूरी बात समझा देते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे, आंटी बोल रहे थे वो डीवी पड़ी रहती थी, उदास रहती थी, खाना नहीं खाती थी, तो उसका क्लियर कट मतलब था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, प्लीज आप मेरे को देखो कि क्या प्रॉब्लम हुई है। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो बताती थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। और डेफिनेटली इन्होंने और इनकी फैमिली ने बेस्ट एफर्ट्स किए, सभी बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स के पास भी गए, ट्रीट भी करवाया, और फिर इन्होंने डॉगोमार्ट में कॉल किया हमें। सो आंटी अभी कितनी इम्प्रूवमेंट लग रही है, अभी कितना कैसा लग रहा है? अब तो ठीक है, अब ठीक है, सही है, खा पी रही है, घूमने फिरने जाती है, सैर करती है, बुलाने पे आती है, आती आती है। कितने परसेंट आपके मन की सेटिस्फेक्शन है? हाँ जी, मेरे मन की तो बहुत है। जो माँ है ना वो माँ होती है, माँ जो है चाहे वो इसकी मम्मा है, चाहे वो विक्रांत की मम्मा, तो मेरे लिए भी मदद है। तो आंटी जी ना पंजाबी में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप प्लीज पंजाबी में बोलिए प्लीज, वो ज्यादा बेहतर है। दसो की कहना चाहते हो? आप वीडियो बना रहे हैं ताकि वो लोग ने जो अपने घर च बैठे ने, जिन्होंने फर बेबीज नू पेट्स नू तकलीफ है, डिसहार्टेड होंगे ने, उन्होंने मतलब तुम की मैसेज देना चाहते हो? यही मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ियां दवाइयां सी जेड़ियां इन बहुत अच्छियां लगियां, और ये ठीक होगी जी, और सानू भी बड़ी खुशी हुई है, अभी हुने ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हुंदी है थोड़ी जी, कल लगे सानू भी थोड़ा बुखार है, फिर असि चेक करे नहीं सीगा। अच्छा जी। हाँ, ओ थोड़ा जा वेदर भी चेंज हो रहा है ना, कभी धूप कभी बारिश होता है, हां एसी चो बाहर चली जांदी है ना कई बार, पहले इन चलन च बहुत प्रॉब्लम सीगी। अच्छा, हाँ, ये लत ना थोड़ी जी करदी सीगी, लगड़ा के चलदी सीगी। ओके, फिर तुसी दवाइयां दित्तियां ओदे नाल ठीक हो गई। अच्छा, हुण ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चल नहीं रही सी पहले। अच्छा जी। हाँ, पहले तो बहुत प्रॉब्लम सी, हुण चल दी फिरदी आराम नाल। ओके, एक्टिव है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, देखो पता क्या होता है, इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, इन्होंने अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े, इन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है विश्वास। तो आई सजेस्ट यू बींग अ फैमिली मेंबर ऑफ, तो जो वीडियो देख रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ, इंडीड यू आर पार्ट ऑफ बादल भंडारी फैमिली। सो मेरा हमेशा, मेरी कोशिश रहती है, मेरा कोई भी दिन, कोई भी पल, कोई भी सांस ऐसी ना रहे जब हम डॉग के लिए कुछ बेटर एफर्ट या बेहतर एफर्ट ना करें उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। अगर आपके डॉग की भी कोई प्रॉब्लम है, अब देखो एक चीज बताता हूँ, जो मेडिसिन है उसके अलावा जो डाइट शेड्यूल है ना वो बहुत मैटर करता है।
ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। अब आप अगर देखेंगे ना जी, तो मेडिसिन अपना रोल निभाती है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कितनी देनी है, उसका क्या रिजल्ट आएगा वो बहुत मैटर करेगा। खाना क्या देना है, क्या नहीं देना, क्या चीज उस बच्चे के लिए अच्छी है, क्या चीज उसको नुकसान करेगी, ये सब चीजें बहुत मैटर करेंगी। इसका यूरिया बहुत बड़ा हुआ था, क्रिएटिनिन बहुत बड़ा हुआ था, किडनी के और लिवर के टेस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव आए थे, सारी चीजें डिस्टर्ब हो रखी थी, बट अभी ये डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है और बेहतर है, और उसकी जो फैमिली है ऑफ कोर्स वो सेटिस्फाइड है, खुश है। मैं चाहता हूँ ऐसी खुशी आपके घर में भी हो, आपका जो फर बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, बढ़िया जिंदगी जिए, जितनी देर भी जिए, वो एक साल जी रहा है, वो 15 साल जी रहा है, हम तो चाहते हैं हमारे फर बेबीज रहती दुनिया तक हमारे साथ दें, बट भगवान ने उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 12 से 15 साल बनाया है, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो हेल्दी और अच्छे से गुजरे, फिट और बढ़िया लाइफ जिए, कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच आंटी जी। आई होप ये जो वीडियो बनाया है, ये किस लिए बनाया मालूम है? ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको ये चीज क्लियर हो कि प्रॉब्लम है तो उससे क्विट नहीं करना, प्रॉब्लम है तो उससे लड़ना है, आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली हमारी जीत जरूर होगी। अगर आपके डॉग की भी कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप उसके लिए जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9878474748 पे, साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस शेडो पे, शेडो की फैमिली पे, सारी दुनिया पे जो ये वीडियो देख रहे हैं उन पे, उनकी फैमिली मेंबर्स पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।